दोस्तों, क्या आपने सुना है एक ऐसा रहस्यमय इंसान के बारे में जो बंद कमरे से हो गया था गायब और जिसकी आज तक गायब हो जाने की पहली अनसुलझी है। जी हाँ, ऐसा सच में हुआ है। तो आइए जानते हैं उस रहस्यमय इंसान की अजीबोगरीब कहानी। दोस्तों, दुनिया में ऐसी ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना साल 1954 में जापान में घटी थी, जिसकी पहली आज तक अनसुलझी है। कहा जाता है कि यहां के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स पहुंच गया था जो खुद को कुछ एक देश का बता रहा था, लेकिन असल में वो देश इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन वो अचानक वहाँ से गायब हो गया था और उसके बाद से वो आज तक कहीं दिखा ही नहीं। असल में घटना कुछ इस प्रकार है कि जुलाई सन 1954 में टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक विमान लैंड हुआ, जिसमें सवार सभी यात्री बाहर निकलने के लिए चेकआउट काउंटर की ओर गए, जहां एयरपोर्ट कर्मचारी उनके पासपोर्ट की जांच करने में लगे हुए थे। इसी दौरान वहां एक ऐसा यात्री पहुंचा जिसका पासपोर्ट हैरान कर देने वाला था। उसके पासपोर्ट पर उसके देश का नाम टॉयलेट लिखा हुआ था, जबकि असल में इस धरती पर ऐसा कोई देश है ही नहीं। यहां हैरान करने वाली एक और बात ये थी कि उस रहस्यमय शख्स के पासपोर्ट पर कई अन्य देशों के मुहर भी लगे हुए थे जो बिल्कुल असली लग रहे थे, यानी उसने उन देशों की यात्रा भी की होगी। लेकिन सवाल ये है कि वो उन देशों में पकड़ा क्यों नहीं गया, और उस रहस्यमय इंसान को पूछताछ के लिए एक कमरे में ले जाया गया और उससे पूछा गया कि मैप पर उसका देश कहाँ है। तो उस इंसान ने अंडोरा देश पर उंगली रखी और कहा कि यही उसका देश है, लेकिन उसके देश का नाम अंडोरा नहीं बल्कि टॉरिड है। उस रहस्यमय इंसान से एयरपोर्ट अधिकारियों ने और भी कई सवाल पूछे, जैसे वो किस सिलसिले में जापान आया है। इसके जवाब में उसने एक कंपनी का नाम बताया और कहा कि वो वहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जब उसके द्वारा बताई गई कंपनी से संपर्क किया गया तो उन्होंने उस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी ऐसे कोई इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अधिकारियों को लगा कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने आगे की पूछताछ के लिए उसे कमरे में ही बंद कर दिया और बाहर पहरा लगा दिया। लेकिन अगली सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो हैरान करने वाली घटना हो चुकी थी। वो रहस्यमय इंसान बंद कमरे से कहीं गायब हो गया था, जबकि दरवाजे और खिड़कियां वैसे ही बंद थी जैसा कि एक दिन पहले बंद करके एयरपोर्ट अधिकारी ने रखा था। अब वो शख्स कैसे गायब हुआ, ये आज भी एक पहेली है जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है और ना ही किसी के समझ में आया है। दोस्तों, आप सबका इस रहस्यमय इंसान और उसके देश के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।